लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में पीजी कॉलेज गोपेश्वर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय के अनुवीक्षण कार्य हेतु नियुक्त सभी टीमों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहां ने व्यय प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो निगरानी टीम, अवलोकन टीम, उड़न दस्ता, एमसीएमसी लेखा टीम, शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर के संबंध में कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया। इसी के अलावा सी विजिल ऐप पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया गया। चमोली से संवाददाता संदीप सिंह की रिपोर्ट। जी, कल 6 फरवरी 2024 को हम लोगों के द्वारा लेखा टीम की जितनी भी टीमें लगी हुई हैं लोकसभा सामान्य निर्वाचन में, जिसमें हमारी लेखा टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड है, एसएसटीज हैं, और वीडियो निगरानी दल है, वीडियो अवलोकन टीम है, एमसीएमसी है, कॉल सेंटर जो स्थापित किया जाएगा जिला स्तर में, इसके अलावा जो जिला लेकर मॉनिटरिंग टीम है और अन्य भी जितनी टीमें लगी हुई है, सबको हमने प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया है। उसमें बेसिकली इन लोगों के द्वारा, टीमों के द्वारा कौन कौन से काम किए जाने हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी गई है। और क्योंकि इस बार लोकसभा क्षेत्र के लिए जो उम्मीदवार के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा रखी गई है वो 95 लाख रखी गई है, तो सभी टीमों को इसके रिगार्डिंग बताया गया है कि जो सीमा निर्धारित करी गई है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसी सीमा के अंदर जो है उम्मीदवार का खर्चा होना है और वो खर्चा किस तरह से किया जाना है, उन सभी चीज़ों पर जानकारी दी गई। इसके अलावा हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी की टीम्स हैं वो चेक पोस्ट पर तैनात रहेंगी, किस किस तरह से उनके द्वारा विजिलेंट तरीके से कार्य किया जाना है, कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना है, चौकसी बरती जानी है और कौन कौन से फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जो भरे जाने हैं और डेली रिपोर्टिंग करी जानी है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से उन्हें बताया गया है। अभी ये क्योंकि प्रथम चरण का प्रशिक्षण है, इसके अलावा अभी हम दूसरे या तीसरे चरण का प्रशिक्षण भी आगे प्रदान करेंगे।